पांच साल में आपकी क्या उपलब्धि रही? हमारी उपलब्धि हमारे पांच साल में क्या उपलब्धि है देश जानता है, कोरेकाट नहीं जानता है। काराकाट की जनता जो है, काराकाट क्षेत्र की जनता इसलिए सांसद चुनती है कि काराकाट क्षेत्र की जो भी समस्या है इस समस्या को सदन में जाकर के हमारे सांसद उठाएं। तो एक एक करके काराकाट की जितनी समस्याएं थी केंद्र सरकार से होने वाली सभी समस्याओं को बारी बारी से हमने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। काराकाट का ही नहीं बल्कि देश की जो समस्या जटिल जटिल समस्याएं थी उसको भी हमने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। ये काराकाट यहाँ की समस्या का देश जानता है कि हमने क्या क्या किया है। आपने भी किसी गांव को गोद लिया है क्या? हमने किसी गांव को गोद नहीं लिया क्योंकि हम सुना करते हैं कि जिन जिन लोगों ने गांव को गोद लिया वो उसका गोद सुना हो गया, इसलिए हमने सोचा कि हम अपने जीवन में किसी को गोद नहीं लेंगे किसी गांव का। हमारे लिए काराकाट क्षेत्र का हर गांव गोद है, हमारे लिए पवित्र है, हमारे लिए माँ है, हमारे लिए सब कुछ है। उसके सब लोगों के लिए सबका साथ सबका विकास इस दृष्टिकोण से काम करते हैं, चाहे दलित हो महादलित हो अगड़ा हो पिछड़ा हो सबके लिए हम लोग काम। तीसरी बार संसद की जब यात्रा करेंगे तो प्राथमिकता के आधार पर कौन सा काम करेंगे? हमारी कोई अपनी कोई प्राथमिकता नहीं होती है, हम लोग क्षेत्र की में घूमते हैं, क्षेत्र की जनता की जो समस्या होती है वह है अपनी समस्या समझ करके उसको निवारण करने का काम करते हैं, उस समस्या को हम लोग सदन में उठाते हैं। पांच सालों में एमपी लैड से कितनी संख्या में योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ? देखिए उस तरह से जो एमपी फंड थे वो नाम ना है एमपी फंड का, ये एमपी फंड एक साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है, 2 साल कोरोना के भेंट चल गया। हाँ। तो 5 करोड़ रुपया में 5 करोड़ मिलता है तो 6 विधानसभा हमारे पार्लियामेंट में पड़ता है, 1 विधानसभा में 80 से 85 लाख रुपया मिलता है, 1 विधानसभा में 40 पंचायत पड़ते हैं, 1 पंचायत में 2 से 2.5 लाख रुपया हिस्सा पड़ता है, 1 पंचायत में 4 से 5 गांव 6 गांव होते हैं, 40-40, 24-25 हजार रुपया गांव पीछे पड़ता है। तो वो पैसे देखिए एमपी फंड से कोई काम नहीं हो सकता, छोटा मोटा काम हम लोग बड़ा बड़ा प्रखंड स्तर पर उस राशि को एक एक जगह 2-4 लाख रुपए में हमको कौन सा काम करेंगे। तो बड़ा बड़ा योजना जैसे जनता ने हाई मास लाइट की मांग किया, जितना भी शहर का था चौराहा था सब जगह हाई मास लगाने का काम किया। कोरोना काल में जब हम घूम रहे थे तो देखे कि हर हॉस्पिटल में पानी की दिक्कत है, हर हॉस्पिटल मेरे पार्लियामेंट के अंदर जितने हॉस्पिटल हैं सब में हमने आरओ वाटर प्लांट लगाने का काम किया हर जगह। तो आरओ प्लांट जो लगाए हैं वो काम कर रहा है सही से? सभी आरओ प्लांट काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई काम अभी तक हमारा काम सब 5 साल की गारंटी में चलता है। हमारा काम वो नहीं चलता है कि इस साल में गया खत्म हो गया, 5 साल गारंटी के साथ कोई भी काम, जैसे मोदी का गारंटी है 5 साल की गारंटी से काम करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से आपके संसदीय क्षेत्र में 5 सालों में कितने सड़कों का निर्माण हुआ? वो तो बता दिया हमने ना कि 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री सड़क योजना 10 साल से ज्यादा बीता था, सभी रोडों का हम लोगों ने मांगा गया था विभाग से, सभी जिसकी हालत ज्यादा जर्जर थी सब रोडों को हमने रिकमेंडेशन किया था, एक एक करके सभी रोडों का काम हो गया। हमारे पार्लियामेंट जैसे आपको औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम समझते हैं कि 3-4 ऐसी रोड है खाली, मात्र 3-4 रोड और वो भी उसका भी डीपीआर और सब चीज बन गया है, मैंने टेंडर प्रक्रिया में है, नहीं तो जिधर आप जाइएगा सब रोड बना हुआ मिलेगा। टोला से टोला वाली रोड जर्जर है, 2025 हम लोग टोला से टोला जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं, 2025 तक कोई काराकाट क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा जो पक्की रोड से नहीं जुड़ जाएगा। तो काम करते हैं। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की आने की बात हो रही है तो क्या महाबली सिंह कहाँ जाएंगे? एनडीए में है ना जी, एनडीए के वो पार्ट है, लोकसभा चुनाव लड़ने की बात हो रही है काराकाट से। लोकसभा तो एनडीए के पार्ट है तो जहाँ पार्टी लड़ाएगी लड़ेगी, तो सीटिंग सीट ना है, सीटिंग सीट पर कह दिया गया है कि कोई समझौता नहीं, 16 हमारी सीटें हैं, 16 पर हम लड़ेंगे
अब उनको एनडीए में है तो वो कहां से वो लड़ेंगे वो समझे, सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं। तो क्या महाबली सिंह की बलि नहीं पड़ेगी लोकसभा क्षेत्र काराकट से? महाबली की कभी बलि चढ़ी है कि चढ़ेगी? चिराग बलि, महाबली दूसरा का बलि लेता है कि अपना बलि थोड़ा। चिराग पासवान जी एनडीए से नाराज चल रहे हैं, आरजेडी में जाने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं वैसी बात नहीं है, कैसे जा सकते हैं चिराग पासवान? मोदी जी का हनुमान है, तब मोदी को छोड़ कर हनुमान तो पर हनुमान नाराज दिख रहे हैं। वो थोड़ा सीटों का बात है, उनका कहना है कि मैंने 6 सीट हमको मिला था तो 6 दो आदमी दो पार्ट में हो गए हैं तो उसमें सीट का तो बंटवारा निश्चित तौर पर होगा, अकेले तो उनको मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन पार्टी का काम है, इस नेतृत्व का काम है कि कैसे, लेकिन हम समझते हैं कि 2-3 दिन में ये सारी समस्या का समाधान। सीट।